हाँ नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। हम लोग स्मार्ट चैनल के तरफ से आपके बीच में पुनः हम आए हैं। ये छपरा जंक्शन, ये छपरा जंक्शन जो एनी रेलवेज का एक रेलवे स्टेशन है और विश्व स्तरीय स्टेशन है ये, और उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर ये हमारा बहुत खूबसूरत स्टेशन जो सामने आप देख सकते हैं, छपरा जंक्शन लिखा हुआ है ये, और स्टेशन पर सभी के निगाह है ये। और इस खूबसूरत स्टेशन, विश्व स्तरीय स्टेशन पर एक मैंने एक पहले एक तो पोस्ट किया था कि जिस समय जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन ओथ ले रहे थे, नई सरकार बनी थी, उस दिन आपको ये इसी छपरा विश्व स्तरीय स्टेशन पर ये हमारा झंडा उस पर नहीं लगा हुआ था। हमारे ही लुक स्मार्ट चैनल ने इस मुद्दे को उठाया और सभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तो को मैंने मैसेज किया कि सर आज आपकी सरकार बन रही है, जहाँ राजीव प्रताप रूड़ी जैसे ऑनरेबल पढ़े लिखे एक MP साहब के होते हुए भी ये छपरा जंक्शन पर आपको झंडा नहीं फहराना, ये बहुत दुखद स्थिति की बात है। और फिर हम आप उसी स्टेशन पर आए हैं और बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे इस लुक स्मार्ट चैनल के मैसेज पोस्ट पर आज देखिए फिर वही झंडा, आप कैमरा मैन प्लीज मूव इट देयर, आप देखिए वही झंडा देखिए, हमारा छपरा यानी बिहार का ये रेलवे स्टेशन का शान है। आज देखने में कितना खूबसूरत, एक अजीब से अंदर ताकत महसूस होता है। और आप इसी चीज़ को मैंने उस दिन पाया था जो बहुत दुखद हुआ, मैंने यहाँ लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने बताया था कि हाँ सर 25 दिन पहले झंडा गिर गया था। तब मैंने इसके गोपनीय तरीक़ा से मैंने स्थानीय रेलवे प्रशासन से बात किया तो प्रशासन के कोई किसी के द्वारा बताया गया कि नहीं सर झंडा गिर गया, रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है कि झंडा खरीद के लगाया जा सके। बहुत दुखद स्थिति थी। खैर चलिए हम चलते हैं, यहाँ के कुछ लोग हमारे अच्छे से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, हम उनसे केवल दो बात पूछेंगे। प्लीज आपका नाम क्या है? संजय कुमार तिवारी। मिस्टर तिवारी जी बताइए कि पहले झंडा तो बीच में उतर गया था? नहीं, शुरू में यह जब इसकी स्थापना हुई तो यह लगा, दो चार दिन या एक सप्ताह चला लगा, उसके बाद बीच में न जाने किस कारण से ये आपका झंडा का झंडोत्तोलन दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये तो अच्छी बात नहीं कही जाएगी। नहीं, बात क्या है, संविधान सम्मत बात नहीं है, न्यायोचित भी नहीं है। आज के तारीख में कितना अच्छा लग रहा है कि छपरा जंक्शन कुछ नहीं, वही तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हमारे तिवारी जी आपके सामने, इन्होंने कहा अच्छा लगा, एक और हमारे जेंटलमैन है मिस्टर, आपके क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार सिंह हुआ। सिंह साहब बताइए आपके कैसा महसूस करते हैं? हम तो इसको देख के हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है, लेकिन जब गिर जाता है तो दुख होता है कि सरकार के पास क्या इतना सब थोड़ा सा पैसा नहीं है कि जो इसको फिर से दोबारा इस झंडे को टांग दिया जाए, जिस झंडे के पीछे हमारे कई महापुरुषों ने बलिदान किया। तो अभी तो झंडा करीब 20-25 दिन गिरा हुआ था, न जाने किन के माध्यम से, ना आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फिर ये झंडा ऊँचा हुआ है और बहुत गर्व होता है। जब हम लोग आते हैं, दैनिक यात्री हम लोग हैं, तो एक नज़र जरूर इसको देखते हैं। चलिए धनदेव सिंह साहब और तिवारी, अच्छा लगा आपको, यही सब आज चैनल यानी लुक स्मार्ट चैनल के प्रभाव से और काफ़ी दबाव से एक मिनट के आप उसके बाद आप उसके दबाव से लोग जो झंडा पर हम रेलवे प्रशासन को या सीनियर ऑफिसर जो संज्ञान में लाए उनको हम अपने तरफ से बधाई देते हैं, थैंक्स उनको देते हैं। प्लीज़ मेंटेन इट, हमारे देश का शान है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा एक छोटा सा इशू है ये, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, फिर अगले बार इशू मिलेंगे। प्रणाम।